प्रणाम हमारे व्यूअर्स, चिन सिंह ब्रदर्स एंड सन्स मशरूम फॉर्म आपका चालू हो चुका है। समीर जी देखिए हमारे साथ हैं और ये जो है भूसा फुला रहे हैं हमारे फॉर्म के लिए। देखिए ये इस तरह से भूसा को छाना जाता है और इस तरह से रखा जाता है। इस तरह से ये 10 क्विंटल भूसा है हमारा। हाँ यहीं डाल दीजिए। अब इसको हम 48 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 48 घंटे पूरे हो गए और ये देखिए मुर्गी का खाद है। इस पे अपन 60% मुर्गी का खाद डालते हैं। ये देखिए इरशाद अंसारी जी हैं, खूब ज्यादा यही करता धरता हैं इसके फॉर्म के। चोकर निकालते हुए इसमें अपन चोकर डालेंगे। ऐसे चोकर जो रखते हैं अपन 5 क्विंटल में 1 क्विंटल डालते हैं। तो अब अपना ये चोकर डला चुका है, अब जिप्सम डालने जा रहे हैं ये लोग। जिप्सम जो है 5 क्विंटल में अपन एक बोरा डलवाते हैं 25 केजी। तो ये हमारा 10 क्विंटल है तो जिप्सम यहाँ 2 बोरी डलवाएंगे। तो ये हमारा जिप्सम डल रहा है। तो अब अपना ये चोकर डला चुका है, अब जिप्सम डालने जा रहे हैं ये लोग। जिप्सम जो है 5 क्विंटल में अपन एक बोरा डलवाते हैं 25 केजी। तो ये हमारा जिप्सम डल रहा है। ये अपना एचएन सिंह ब्रदर एंड सन्स का अपना फार्मूला है जिसमें कि हम एनपीके यूज़ करते हैं। इसको इस तरह से यूज़ करते हैं, 5 क्विंटल में 2 केजी जाता है। ये सिंगल सुपर फॉस्फेट है। पहले ये लोग फेटेंगे, मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको उस पर छिड़का जाएगा। और तो हमारा सारा चीज़ मिक्स हो गया और भूसा का जो चौड़ाई रखेंगे नीचे में वो 7 फीट का है। और ये देखिए 2 पाइप हमने जोड़ा है जो कि 20 फीट है। और इस तरह से पाइप को बिछा देंगे नीचे में। पहले 10 इंच भूसा बिछा लेंगे, उसके बाद इस पाइप को रखना है, 3 पाइप को। और आपस में इस दोनों पाइप की डिस्टेंस जो है 2-2 फीट की है। और इस तरह का टीला बना दिया गया है। अपना 6 पाइप यूज्ड हुआ है, पहले 3 पाइप, फिर 2 पाइप, फिर 1 पाइप। ये पाइप यूज़ किया जाता है ताकि जो इसमें से गर्माहट निकले वो इसी के इर्द गिर्द घूमते रहे और टेम्परेचर मेंटेन्ड हो। तो देखिए हमारा भूसा जो है फुलाने के बाद कंपोस्ट के लिए रेडी है। और इसी तरह से ढेर लगाना है। ये 0 डेज़ है और 0 डेज़ में हमको इसी तरह से ढेर लगाना है। ये 0 डेज़ का ढेर है और इसको अपन 6 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5वें दिन इस पे से रात में हम प्लास्टिक हटा देंगे, 6वें दिन इसकी पलटाई करेंगे। और ये आज 6वां दिन हो गया है तो आज इसकी पहली पलटाई है। अपन इसको 0 डेज़ से काउंट करते हैं, जिस दिन ढेर लगाते हैं उसको 0 डेज़ बोलते हैं। उसके बाद से 6वें दिन इसकी पलटाई की जाती है। तो ये देखिए जो कंपोस्ट का कलर है थोड़ा चेंज हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और कंपोस्ट का नमी हमेशा चेक करना है। कंपोस्ट का नमी इसको अपन पकड़ेंगे और इस तरह से कस के दबाएंगे। और ये देखिए हमारे हाथ से पानी दिखने लगा तो पता चल जाएगा कि कंपोस्ट में नमी जो है प्रॉपर्ड है। तो ये देखिए पलटाई हो रही है, सारे पाइप्स को धीरे धीरे निकाली जाएगी। पाइप्स को निकालते समय विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि ये गर्म रहती है तो पाइप जो है टूटने का डर रहता है। कंपोस्ट का कलर ठीक आ रहा है ना समीर? यस यस, बहुत बढ़िया आ रहा है। जो कंपोस्ट है उसको पलटा जा रहा है, फर्स्ट पलटाई है 6 दिन बाद। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कैल्शियम सल्फेट है इसको, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इस दोनों को हम छिड़केंगे इसके ऊपर ताकि माइसिलियम जो है अच्छे से ग्रो कर सके। अपन पर क्विंटल 1/2 केजी डालते हैं इसमें। देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट मिला रहे हैं समीर जी। हाँ, और ये रहा कैल्शियम सल्फेट। और इसको छिड़कने के बाद पूरी तरह से फेंट लेंगे भूसे को। ये देखिए समीर और नौशाद जो हैं इसको मिला रहे हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं कंपोस्ट की पलटाई हो चुकी है, फर्स्ट पलटाई, भूसे का ढेर लगाया जा रहा है। तो ये देखिए कंपोस्ट पूरी तरह से फेंट दिया गया है और इस तरह का टीला बना दिया गया है। तो आज ये नौवां दिन है तो इसकी पलटाई करानी है, तो अपन इसकी पन्नी हटाएंगे। तो आज ये हमारा 9th डे है जैसा कि पहले हमने बताया था, और ये देखिए हमारी भूसे की पलटाई चालू हो चुकी है, सारी पाइप्स निकाल दी गई है। इसमें मेनली अपन भूसे को ऊपर से नीचे करते हैं। तो आज ये हमारा 13वां दिन है और जैसा कि देख रहे हैं समीर जी हमारे इसको फोड़ रहे हैं। आज अब इसकी पाइप निकाल देंगे अपन, ये देखिए पाइप लगी हुई है, आज इस पाइप को निकाल के बाहर रख देंगे और ऐसे ही ढेर लगा देंगे इसको।